आप देख सकते हो अरनाला और नागाव के बीच, और प्रभु गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गेंद को खेल दिया स्ट्राइकर की तरफ, खराब फील्डिंग हुई है और उसका फायदा उठाने की कोशिश, गेंद का पीछा तो कर रहे, गेंद नहीं रोकने वाली, चार रन। पहली गेंद पर चौका, मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। लेकिन आउटफील्ड सुपर फास्ट है, तो भरत कांग्रेचुलेशन, लगातार दूसरी बार मैन ऑफ द मैच, राजू ने अच्छी गेंदबाजी की और सतीश का बल्ला बोला सबसे बड़ी बात। इस गेंद को खेल दिया साइड पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, दिशाइन गेंद पर सही नसीहत, गेंद बाउंड्री की तरफ जाते भी, चार रन चौका। नागेश तळेकर यांच्याकडून सतीशसाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे। सतीश सर, मी आपल्याला विनंती करतो आपण व्यासपीठावर द्या, नागेश तळेकर यांच्याकडून आपल्याला 1000 रुपयाचं पारितोषिक। आणखी एक स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळणार आहे ज्याची सुरुवात 2 वर्षापूर्वी झाली होती, अर्थात ग्रामीण विरार प्रीमियर लीग, त्याची सुरुवात, त्याचा शुभारंभ आपण पाहणार आहोत मार्च महिन्यामध्ये होणार, त्याची तारीख निश्चितच सांगेन मी। नागेश तळेकर या, तुम्ही पॅकर देखील आहात, संघ मालक आहात आणि लवकरच विरार प्रीमियर लीग आपल्या भेटीला येणार आहे। सुंदर फटका, सुंदर फटका आहे, बॉलर आपण पाहू शकता ओव्हर पिच गोलंदाजी करतो आणि त्याचा फायदा घेत चेंडू या वेळेला तडकवला, चेंडू जाईल सीमारेषा पार, धावा मिळतील चार, कणकणी चौकार, चार धावा। प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये दिलं तरी चालेल, कॅमेरा मध्ये अगदी काही मिनिटा करता, ओके ओके, कॅमेरामॅन प्लीज, कॅमेरामॅन प्लीज। नागेश तळेकर यांच्याकडून ओल्ड इज गोल्ड सतीशसाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक। सतीश अभिनंदन, नागेश तळेकर थँक्यू व्हेरी मच, जाऊया पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेने। अत्यंत महत्त्वाचं षटक आहे, गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज आपण पाहू शकतो विशाल, प्रशांत गरतनं चेंडू केलाय पूल, रोहित शर्माची करून कॉपी, पूलची परिभाषा केली सोपी, शानदार षटकार प्रशांत गरतच्या बॅट मधनं। रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी मध्ये काय जबरदस्त बॅटिंग केली प्रशांत गरतनं आणि त्यामुळे निश्चित एका मोठ्या संघामध्ये त्याची वर्णी लागली, डिंगडॉंगच्या संघामधून खेळताना त्यांनी जबरदस्त कामगिरी केली, कृष्णा सातवते इजाज कुरेशी सारखे दिग्गज खेळाडू असताना निश्चितच हायलाइट मध्ये आला, प्रकाश झोतामध्ये आला तो प्रशांत गरत, अंडरआर्म ते ओव्हरआर्म हा प्रवास त्याचा निश्चितच आता सुखकर या ठिकाणी चालू आहे, सुखकर पद्धतीनं सुरू आहे। या बला ऑन साइडला आणखी एक फटका, आपल्या बॉटम हँडचा अप्रतिम वापर, चेंडू जाईल सीमारेषेच्या पार, दर्जेदार षटकार। क्या बल्लेबाजी करे, बहुत बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी करते भी है, स्ट्रोक अच्छा था, शानदार तरीके से गेंद डॉन साइड पर खेलते हुए टाइमिंग बन गया, बॉटम हैंड का इस्तेमाल और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, शानदार सिक्सर प्रशांत गरत का, एक्सीलेंट बैटिंग, एक्सीलेंट बैटिंग बाय प्रशांत। पहले ओवर का खेल, रन संख्या 24 बगैर किसी नुकसान के, विकास नॉन स्ट्राइकर इन पर अब थे लेकिन अब उनको मौका मिलेगा बल्लेबाजी करने का। विशाल का ओवर महंगा साबित हुआ, जब आपके पास फॉर्म होता है ना तो देखिए किस तरह से बल्लेबाजी होती है, भरत के पास फॉर्म है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने अर्धशतक बनाया था, उसके बाद में दूसरी पारी में 38 रनों की जबरदस्त पारी और अब जाकर गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज निमेश, विकास ऑन स्ट्राइक, प्रशांत गरत की बात कर तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी इन्होंने की है, स्टार्ट अच्छा दिया है, अच्छा आगाज है। निकेश गेंदबाजी करने के लिए तैयार, मुकाबला चल रहा है, बहुत बड़ा अरनाला बना नायगांव, शाहिद शाह अरनाला और एक मेरा नायगांव, और दोनों तो तगड़ी टीमें हैं। पहले ओवर में अगर देखें तो ड्रीम स्टार्ट हुआ है अरनाला टीम के लिए,
तुरु का पत्ता रीड की हड्डी आप देख रहे प्रशांत घरत इनका बल्ला बोल रहा है। गेंदबाजी में अब गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज निकेश समय ज्यादा न ले वक्त ज्यादा न ले तुम्हारे माहितीसाठी एक तारखेपासून पांच तारखेपर्यंत नारंगीच्या मैदानावरती विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग चा जलवा आपण पाहणार आहोत आणि त्याचे फॉर्म दोन तारखेला आपल्याला याच मैदानावरती मिळतील। ज्या खेळाडूंना या स्पर्धेमध्ये सहभागी व्हायचं असेल त्यांनी लगेचच आपले फॉर्म दोन तारखेला इथल्याच मैदानावरती एक बार घेऊन जायचे आहेत 1 ते 5 मार्च। या बला चुकीचा फटका टाइमिंग चांगलं नव्हतं चेंडूच्या खाली गोलंदाज टिपला झेल आणि विकास ठरलाय फेल इथे त्याचा संपलाय खेळ पहिला धक्का या ठिकाणी बसतोय अर्नाळा संघाला। विजय मामा क्रिकेट चषक क्रिकेट स्पर्धा भव्य आकर्षक विजय मामा क्रिकेट चषक क्रिकेट स्पर्धा भव्य आकर्षक चंदन सारची शान विजय घरत मामा महा। दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना धावपळकरती एकूण डावा आहेत 24। भूपेंद्र पाटील व्यासपीठावरती दाखल झाले त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत। टेनिस जगतात ती कुठलीही स्पर्धा ते सोडत नाहीत प्रत्येक मॅच बघत असतात त्यांचे अपडेट आपण पाहू शकता। 24 धावा एका गडाच्या मोबदल्यामध्ये साहित्यच्या अर्नाळा प्रमोद लिली 3 षटकारासाठी एकूण 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे प्रशांत घरत यांच्यासाठी असणार आहे। त्याचबरोबर आता नवीन फलंदाज लिली मैदानावरती आलेला आहे भूपेंद्र पाटील जे आमच्या अग्रसेनेचे पदाधिकारी देखील आहेत युवा अध्यक्ष त्यांच्या माध्यमातून पारितोषिक आहे। स्पर्धेचे शिल्पकार आदरणीय बीजेजी घरत यांच्या कल्पक आणि कुशल नेतृत्वाखाली आपण एक मानाची आणि प्रतिष्ठेची लाख मोलाची स्पर्धा पाहतो आहे विजय मामा चषक 2023। या बला ऑनसाइडला केलेला चांगला फटका तिथे क्षेत्ररक्षक त्याच्या डोक्यात चेंडू जाणार का नाही या बला सुंदर क्षेत्ररक्षण एकेरी धाव घेणं फार गरजेचं आहे कारण एका बाजूला आपण बघू शकता प्रशांत घरत फॉर्म मध्ये खेळाडू आहे अप्रतिम कामगिरी त्याने केलेली आहे स्टार्ट चांगला करून दिलेला आहे आणि धावपळकरती धाबाईत 25 पावशतक पूर्ण झाले या बला अर्नाळा संघाचं। गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज निकेश ऑफसाईडला आपण पाहू शकता थर्ड मॅन पॉइंट कव्हर आणि एक क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफ मध्ये या बला ऑनसाइडला केलेला फटका टायमिंग तितकंसं चांगलं नाही मिड विकेट मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे तयार आहे या बला सतर्क सावधान आहे एक धाव मिळेल एकेरी धाबेने धावसंख्या पोहोचले 26 वरती। दुसऱ्या षटकात साहित्यच्या अर्नाळा संघानं आपलं पावशतक पूर्ण केलेलं आहे पहिल्या षटकात निश्चितच आपण पाहिलं तर बरा खरपूस समाचार घेतला गेला होता चांगला चेंडू आहे सुंदर चेंडू गती परिवर्तन केलं होतं वेगातला बदल होता बॅट्समॅनला फारसं कळलं नाहीये ऑनसाईडला आवडता फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला बॅट्समॅन प्रमोद लिलीनं परंतु हा चेंडू निर्धाव येतोय सुरेख कामगिरी सुंदर गोलंदाजी आपण या ठिकाणी पाहताय निकेश जो एक बरा नायगाव संघाचा हुक माझा एक आहे ऑनसाईडला लॉग ऑन गाव कॉर्नर मिड विकेट डीप स्क्वेअर लेग आणि फाईन लेग 5 क्षेत्ररक्षक ऑनसाईडला कोलबर्ट टप्प्याचा चेंडू ऑनसाईडला खेळण्याचा प्रयत्न झाला परंतु या वेळेला चेंडू बघितलं तर बॅटवरती नीटचा येत नाहीये खोदून कळलाय जाईल या वेळेला लॉग ऑफ मध्ये रुपेश कोळी चेंडू वरती येतोय तोपर्यंत फलंदाज आरामात एक धाव पूर्ण करतात एकेरी धाबेने धावसंख्या वाढली धावसंख्या पोहोचली ती 27 वर। हे षटक खूप चांगलं ठरतंय विशेष करून नायगाव संघासाठी पहिल्या षटकात जेव्हा 24 धाबा आले होता त्यावेळेस निश्चित होता दबाव होता गोलंदाज निकेशवरती प्रशांत घरत या बेला मोठा फटका खेळला का बघूया चेंडू हवेत आहे आणि चेंडू जाईल बरोबर आमच्या कॉम्बॉक्सच्या वरून सीमारेषा पार ध्येय मोठं असेल तर झेप देखील मोठी घ्यावी लागते प्रशांत घरत एक मोठी झेप घेतलेली आहे उत्तंग भरारी घेतोय चेंडू जाईल सीमारेषाच्या पार शानदार षटकार विजय मामा क्रिकेट चषक क्रिकेट स्पर्धा भव्य आकर्षक चंदन सारची शान विजय घरत मामा आकाशाला गवस निघणारा षटकार आपण पाहू शकता अत्यंत सुंदर पद्धतीनं प्रशांत घरतच्या बॅट मध्ये येतो षटकार प्रशांतला शांत ठेवणं अशक्य झालं निकेशला 2 षटकाचं खेळ 33 धावा आणि आता बॅटिंग पावलं त्याचा इशारा पंच करत असताना मैदानावरती आफ्टर 2 ओव्हर 33 फॉर 1 प्रशांतची बॅट तळपते आहे मॅच बॉल परत आलेला आहे ज्यांनी आणलाय त्यांचं कौतुक आहे खूप चांगली कामगिरी आपण करताय गोलंदाजी मध्ये आता यंग खेळाडू गोलंदाजी मार्गवरती सज्ज असेल धावपळकरती एकूण धावांचा विचार केला तर 33 धावा 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर आणि लगेच बॅटिंग पॉवर प्ले घेतला गेलेला आहे 5 षटकांचा सामना विजय मामा चषकाचा जर विचार केला तर आजचा 6वा दिवस
उद्या सातवा दिवस आणि दोन तारखेला या संपूर्ण स्पर्धेचा ग्रँड फिनाले आपण पाहणार आहोत. जिंकण्याची मजा तेव्हाच असते जेव्हा अनेक जण तुमच्या पराभवाची चातक पक्षाप्रमाणे वाट बघत असतात. आणि आज दोन्ही संघ जर बघितलं दावेदार संघ आहेत. चांगली कामगिरी पहिल्या मॅचमध्ये निश्चितच झालेली आहे. इथून दर्जेदार कामगिरी करण्याचा प्रयत्न दोन्ही संघ करतील. गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज निमेश, खेळण्याची जबाबदारी असते स्ट्रायकर एंडला फलंदाज प्रमोद लेणी. दुसऱ्या झटकाचा खेळ धावपळका दबा 33. टप्पा पडल्यानंतर उसळून घेणारा चेंडू पॉइंटच्या डोक्यावर खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू बॅट वरती येत नाहीये, गली क्षेत्रामध्ये जातोय. एक तर धाव निश्चितच मिळणार आहे. प्रशांत घरेतला स्ट्राईक मिळेल. प्रशांत घरतनं आतापर्यंत 8 चेंडू मध्ये 31 धावा कुठल्या आहेत. काय जबरदस्त बॅटिंग केलेली आहे, लई लूट केली धावांची. आणि शॉर्ट सिलेक्शन खूप चांगलं आहे. बॉटम एंडचा वापर बघा किंवा ज्या पद्धतीने त्याने लॉग ऑन क्षेत्रामध्ये फटके खेळलेले आहेत, पूल असतील, हुक असतील, सर्व प्रकारचे फटके तो खेळू शकतो. त्याच्या भातामध्ये सर्व प्रकारचे फटके आहेत. परंतु जबाबदारी असेल निकेतच्या खांद्यावरती. तो कशा प्रकारे या बला या गोल शेवट अत्यंत महत्वाचा षटक आहे अर्थात तिसऱ्या षटकाच्या खेळामध्ये कशा प्रकारची गोलंदाजी करेल. कट करण्याचा प्रयत्न केलाय. नॉन स्ट्रायकर एंडला पाहूया काय करतंय. प्रमोद लेणी इथे धाव घेण्याचा प्रयत्न केला परंतु यावेळेला बॅट जे आहे ते कट करत असताना चेंडू बॅटचा कट घेतोय आणि जातोय थर्डमॅन क्षेत्रामध्ये. धाव घेण्याचा प्रश्न नाहीये. लॉग ऑन मध्ये आपण पाहू शकता लॉग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, लॉग ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, मिड विकेट मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. निमेश आपल्या कुठ्यातलं पहिलं आणि संघात तिसरं षटक टाकत असताना राईट आर्म ओव्हर द विकेट पंतांच्या डाव्या हाताकडून बॅक फुट लॉन्ग साइडला शॉर्ट आर्म पूल. यावेळेला निश्चितच हवेच्या लाटावर होऊन स्वार. प्रशांत घरातनं खेचलाय, थडकावलाय, शानदार षटकार. क्रिकेट स्पर्धा भव्य आकर्षक, विजय मामा क्रिकेट चषक. अत्यंत सुंदर शानदार बॅटिंग. बॅकफुटला पहा कशा पद्धतीने याला फटका खेळलाय. लाजवाब बॅटिंग. पूलचा सुरेख फटका. बॅटिंग करत असताना आपण बॉटम एंडचा वापर देखील जबरदस्त आहे. जास्त बॅकलिपचा वापर झाला नव्हता परंतु प्रशांत बॉटमॅनचा जबरदस्त वापर करू शकतात हे अनेक वेळा त्याने दाखवून दिलेलं आहे. 40 एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना साईशच्या अर्नाळा संघ निमिष आपल्या गोलंदाजी मार्गवरती सज्ज आहे. यामुळे आणखीन एक कडक फटका. क्लासिकल कवर ड्राईव्ह. वैसे तो खूबसूरत मरीन ड्राइव भी है लेकिन उससे खूबसूरत ये कवर ड्राइव है. प्रशांत को शांत रखना नामुमकिन हो रहा है. क्या कमाल का स्ट्रोक था. एक बार फिर देखिए ऑप्शन के बाहर गेंद थी. ऑन द राइट गेंद को खेल दिया. डीपीएस चक्का पर बॉडी लाइन की तरफ घास को आग लगाती हुई गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई चार रनों के लिए. एक्सीलेंट बैटिंग. रन संख्या फिलहाल बात करें तो 44 एक विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल चल रहा है. ओ इस वक्त बाहरी किनारा लगा रन लेना चाहते हैं. प्रमोद लेणी दो बार भागे हैं. जान हथेली भी लेके एक बार फिर भाग रहे मैदान के अंदर. आप देख रहे हैं प्रमोद लेणी टीढ़ी पर खेल रहे हैं. प्रशांत शांत है. प्रशांत शांत है. वो कह रहे कि भाई आपको इधर आने की जरूरत नहीं है. आप नौ सेकंड इनकी तरफ रहेंगे तो एक बार फिर आपका भी फायदा मेरा भी फायदा होगा. निमिष को विकेट चाहिए. 5 गेंदों में 11 रन खर्च किए. प्रशांत ऑन स्ट्राइक. अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद थी. इस गेंद कौन से पर खेलना चाहते थे. गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी है लेकिन अच्छी बात क्या हुई. प्रशांत घरत अपने पास स्ट्राइक रखेंगे और इस वक्त अगर देखिए तो तीसरे ओवर की कहानी और रन संख्या कुल मिलाकर 45 एक विकेट के नुकसान पर. अभी भी 12 गेंदों का खेल आना बाकी. ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है. एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे. संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली. शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली. 6 चेंडूंचा डाव होऊन ही पहा ओव्हर संपली. कार्यकुशल कल्पक बहुआयामी व्यक्तिमत्व आणि विजय मामा चषकाचे शिल्पकार सन्माननीय विजय मामा घरत यांच्याकडून ओव्हर संपली. आफ्टर 3 ओव्हर नाउ स्कोर 46 प्लस ऑफ वन विकेट, 45 प्लस ऑफ वन विकेट. तो गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज निकेश. निकेश के पहले ओवर में अगर देखें तो 9 रन आए थे. 1 से 15 उन्होंने अर्जित की थी. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी. प्रशांत 42 पर खेल रहे 13 गेंदों का सामना करते हुए. क्या वो अर्धशतक बनाएंगे वो देखना बहुत जरूरी. फुल टॉस हवा में गेंद. गेंद के नीचे खिलाड़ी और लिए कैच लिया गया है.
फुल टॉस गेंद पर प्रशांत गरत का बेशकीमती विकेट आज निकेश को मिला है, लेकिन इन्होंने 13 गेंदों का सामना करते हुए 42 रनों की एक इंपॉर्टेंट पारी, शानदार पारी के लिए ऑफ्टम के काफी बाहर वाली गेंद को ऑन साइड पर डीप मिड विकेट क्षेत्र में खेलना चाहते थे, टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन कैच भी बहुत अच्छा लिया गया बाउंड्री लाइन पर। 14 गेंदों में 42, प्रशांत की पारी समाप्त, एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग। संदीप साधु थे झनझनीत विकेट, महाराष्ट्र राज्य अग्रसेना कार्य सम्राट उपाध्यक्ष कैलास पाटील उर्फ काका यांची बळीची टाळी। तू जीना जानता है, तू लड़ना भी जानता है, जिंदगी के सफर में छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना भी जानता है। तारीफ करनी होगी खास करके निकेश की, क्योंकि एक तरफ जब धुआंधार बल्लेबाजी होती है तो गेंदबाजी का टिप्पा अच्छा रखना बहुत जरूरी है। बाहुबली का कटप्पा और गेंदबाज को अपना टप्पा कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अच्छी गेंद थी ये, और एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर, लेंथ बहुत ही बढ़िया और उसका फायदा मिला। अब जाकर देखिए वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास किया गया था, फुल टॉस गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार करने की कोशिश की प्रशांत गरत ने। ये गेंद अच्छी है, टप्पा खाने के बाद नीचे रही है। इस तरह से आपको गेंदबाजी करनी है इस मुकाबले में। टोटल की बात करें तो रन संख्या अब कुल मिलाकर 46 रन, 2 विकेट के नुकसान पर शाहिद शाह अरनाला। प्रमोद लेली के ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी, 3 पर खेल रहे हैं विघ्नेश ऑलराउंडर खिलाड़ी शाहिद शाह अरनाला के बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। कनेक्ट शॉट, क्या जबरदस्त छक्का या चौका, बिल्कुल इस वक्त चौका मिला मौका और जड़ दिया, शानदार चौका। ओह माय गॉडनेस, पाहुनी मौका, हा मारलाय चौका, अग्रसेनेचे धडाडीचे कार्यकर्ते जयेश पाटील यांचा खणखणीत चौकार। रन संख्या फिलहाल स्कोर की बात करते तो 50 रन पूरे हुए साहिदच्या अरनाला टीम के, 50 अप। समर्थन हर टीम के लिए है, गांव से बहुत सारे दर्शक आए हैं। इस बार बैकफुट पर ऑन साइड पर घूमकर खेल दिया, दिए घुमा के गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर, शानदार सिक्सर, बल्लेबाज के चलने लगे कदम, एक बार फिर बल्लेबाज ने दिखाया दमखम। इट्स अ मैक्सिमम। मैदान के अंदर खलबली कर रहे हैं, खिलाड़ी का नाम है प्रमोद लेली 13 पर खेल रहे हैं, यहां विकेट की तलाश रहेगी, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। प्रशांत का विकेट गिरने के बाद कप्तान प्रमोद लेली भी जिम्मेदारी से साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, सुझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए इससे प्रेशर निकेश के ऊपर आएगा, 10 गेंदों में इन्होंने बस 20 रन खर्च किए हैं, 2 विकेट चटकाए हैं। प्रमोद लेली 13 पर खेल रहे, 6 गेंदों का सामना करते हुए, क्योंकि इस विकेट पर गेंदबाजी करना भूपेंद्र सर बहुत जो एक चैलेंजिंग बात है, आपके पास वेरिएशन होना बहुत जरूरी, अगर वेरिएशन नहीं होता तो आपकी पिटाई भी होने वाली है। और दैट्स अनदर ब्यूटीफुल शॉट, डोंट बी वायलेंट, बी साइलेंट एंड शो योर टैलेंट, डाउन द ग्राउंड, शानदार सिक्सर। भूपेंद्र पटेल इनकी तरफ से लगातार 3 छक्कों के लिए बल्लेबाजों के लिए 1000 का इनाम है, और मैदान के अंदर प्रमोद दिल्ली का बल्ला एक बार फिर बोल रहा है, आगे भी खेल रहे पीछे भी खेल रहे, पहले बैकफुट पर पुल किया था, उसके बाद में ऑन राइज गेंद को खेल दिया था लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, फ्रंट फुट पर एक अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाजों का, बल्लेबाज प्रमोद लिल्ली का, यह दुधारी तलवार है, आगे भी खेल रहे पीछे भी खेल रहे हैं, क्योंकि इससे दिक्कतें गेंदबाजों के लिए हो सकती है। अच्छा ओवर था पहला ओवर, अगर देखिए निकेश का कमाल का था, लेकिन इस ओवर में बल्लेबाजों ने मेला लूटा है। अब जाकर इस ओवर की बात करें तो आखिरी गेंद शेष है, 4th ओवर का खेल, 62 विकेट के नुकसान पर। ये अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, थोड़ा गति परिवर्तन किया गया था, लेट एक बार फिर रिएक्ट होते हुए बल्लेबाज 22 का इशारा आशुतोष व्यापारे कर रहे, और 4 ओवर का खेल समाप्त, आखिरी गेंद पर सिंगल, इसका मतलब प्रमोद रिली रखेंगे अपने पास स्ट्राइक, और निकेश 2 ओवर 26 रन, 2 सफलता उनको मिली है, और साई चारनाला 63, 2 विकेट के नुकसान। संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली, शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली, 6 चेंडूंचा डाव होऊन ही पहा ओव्हर संपली, कार्यकुशल कल्पक बहुआयामी व्यक्तिमत्व आणि विजय मामा चषकाचे शिल्पकार सन्माननीय विजय मामा घरत यांच्याकडून ओहो संपली।
गेंदबाज असरदार नहीं हो रहा है वह सबसे बड़ी परेशानी नायगांव टीम के लिए। और इसी विकेट पर नायगांव भी रन बना सकता है। इससे पहले आपने देखा कि जितने मैचेस सुबह रन बनते हैं बहुत बहुत बड़ी पारियां आई है। भरत के ने अर्धशतक बनाया था, मयूर मांगेला ने अर्धशतक बनाया था, उसके बाद में 43 रनों की जबरदस्त पारी, आसिफ ने 50 रन बनाए हैं। आज के दिन में 3 अर्धशतक आए हैं। प्रशांत भरत की बात करें तो इन्होंने अभी 42 रन बनाए, रूपेश कोहली के बल्ले से 43 रन आए थे, तो रन बिल्कुल बहुत सारे आए हैं। रन बनते हैं इस विकेट पर, अच्छी विकेट है बल्लेबाजों के लिए। लेकिन गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज रितेश, स्ट्राइक के रन पर प्रमोद लेनी, उड़ाया आसमान की तरफ, हवा में गेंद है, यू जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, खोल दिया अपने पंख, जमाना से उड़ान देखता है, ऊंची उड़ान लेती भी गेंद बॉडी लाइन के बिल्कुल बाहर जाती भी, शानदार सिक्सर। सिक्स्टी नाइन पर टू, शानदार स्ट्रोक, एक बार फिर बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल। इस बार कहां खेले, गैप में बिल्कुल आउटफील्ड, सुपर पास है, क्या रोक पाएंगे, बिल्कुल इस वक्त अच्छी फील्डिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग, एक रन मुकम्मल किया, एक बार फिर रन लेना चाहते थे नौ स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज। रन पंक के पहला स्कोर 70 के पार चला गया है, प्रोजेक्टर स्कोर 77 दिखाई दे रहा है, पांचवा ओवर प्रगति पर है। 71 पर 2, साई चार नाला, प्रमोद लीली 27 पर खेल रहे हैं। देखिए इस तरह का खेल होना चाहिए। प्रशांत गर्भ जब बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, टपक आने के बाद धीमी रफ्तार के साथ आई, इसलिए मैंने कहा कि आपके पास इस विकेट पर गति परिवर्तन होना चाहिए, गेंदबाजी में मिश्रण होना बहुत जरूरी है। केवल तेज रफ्तार की गेंदबाजी करेंगे ना तो आप जितने तेज रफ्तार के साथ गेंदबाजी करेंगे उसी तेज रफ्तार के साथ गेंद जो है ना बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। रितेश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में, हवा में गेंद है, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद के नीचे रितेश और लिया कैच प्रमोद लीली और विघ्नेश मैदान के अंदर, तो विघ्नेश की पारी समाप्त, रन संख्या कुल मिलाकर 72 पर 3। इसलिए देखिए जब प्रशांत भरत घरत बल्लेबाजी कर रहे थे तो प्रमोद लीली को स्ट्राइक रोटेट करना था, जब लीली बल्लेबाजी करे फॉर्म में है तो विघ्नेश को हमला करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन टेनिस क्रिकेट में कौन समझाए, आखिरी ओवर चल रहा है, हमला एक बार फिर करने की कोशिश, शिकार बनके बैक टू द पैवेलियन चले गए। रितेश ने अच्छी कमबैक की है इस ओवर में, 4 गेंदों में 9 रन दिए हैं, 2 गेंदों का खेल अभी आना बाकी। नए बल्लेबाज जयेश और प्रमोद लीली नौ स्ट्राइक रेन की तरफ रहेंगे, क्योंकि जो नया नियम बना हुआ है अगर बल्लेबाज बड़ा स्ट्रोक खेलता है आउट हो जाता है तो नए बल्लेबाज जो है वो स्ट्राइक रेन की तरफ आएंगे और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हवा के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा। राइट हैंडर बल्लेबाज के ऑन साइड पर हवा बह रही है, 5वीं गेंद बहुत महत्वपूर्ण है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज रितेश ऑन साइड पर जबरदस्त स्ट्रोक, क्या माइंड सेट है, लाजवाब स्ट्रोक खेला गया और शानदार सिक्सर। और मैदान के अंदर बहुत ही बेहतरीन खेल होता है बल्लेबाजों द्वारा। रन संख्या फिलहाल स्कोर की बात करें तो 78 for 3, एक्सीलेंट बैटिंग बाय जयेश एंड प्रमोद लीली, आखिरी गेंद शेष है, कमाल का ये टूर्नामेंट और आज रनों की बरसात मैदान के अंदर। वैसे आकाश की तरफ मैं देख रहा हूं बिल्कुल सफेद बादल हैं, धूप तो ज्यादा खिली भी नहीं है लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए बहुत अच्छा मौसम। ऑफ टंप के बाहर गेंद क्यों छोड़ा, ये सवाल है, कट्टापा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसी तरह से भाई आपने इस गेंद को क्यों छोड़ा, खेलना था, अगर कट करते तो भी बात हो सकती थी। आखिरी गेंद पर रितेश ने एक बिंदी गेंद डाली है और क्या इसका फायदा आज नायगांव को मिलेगा वो देखना बहुत जरूरी। फिलहाल 5 ओवर के बाद 78 3 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 79 का टारगेट है।
आणि प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा मी माहिती देईन किंवा खेळाडूंसाठी माहिती आहे, मार्च महिन्यामध्ये 1 ते 5 मार्च नारंगीच्या मैदानावरती पुन्हा एकदा विरार ग्रामीण प्रीमियर लीगचा जलवा आपण बघणार आहोत. ज्यांना कोणाला फॉर्म घ्यायचे असतील 2 तारखेला विजय मामा चषकाच्या दरम्यान जेव्हा ग्रँड फिनाले सुरू असतील त्यावेळेला सर्व फॉर्म इथे उपलब्ध असणार आहेत. त्यामुळे हा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल, जर तुमचे मित्र या ठिकाणी ही गोष्ट ऐकली नसेल तर ती गोष्ट तुम्ही तुमच्या मित्रांपर्यंत पोहोचवा आणि मॅक्झिमम फॉर्म यावेळेला जातील आणि सर्व भागातले खेळाडू समाविष्ट होतील. कसे याचा प्रयत्न, प्रत्येक गावातले खेळाडूने आपले टॅलेंटेड खेळाडू आहेत त्यांना संधी द्या. आता त्यामध्ये लिलावामध्ये तुमची निवड होईल नाही होईल हा नंतरचा भाग आहे, पहिल्यांदा सहभागी व्हा. 1 ते 5 नारंगीच्या मैदानावरती विरार ग्रामीण प्रीमियर लीगचा थरार आपण पाहणार आहोत. विजय मामा क्रिकेट चषक, क्रिकेट स्पर्धा भव्य आकर्षक. विजय मामा क्रिकेट चषक, क्रिकेट स्पर्धा भव्य आकर्षक. चंदन सारची शान विजय घरत मामा महा, या क्रीतेनेची शान विजय घरत मामा महा. युव भक्त श्रद्धावान विजय घरत मामा महा. व्यासपीठावरती आपण पाहू शकता कर्तृत्व आणि नेतृत्व याचं एक छान उदाहरण अर्थात व्यक्तिमत्व विजय मामा घरत. जास्त वेळ घेऊ नका, क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचं आहे. 79 धावांची आवश्यकता मॅच जिंकण्याकरता. कुणाला सुटले हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव, कुठेही जाऊ नका, पाहत रा या सामन्याचा दुसरा डाव. क्रिकेट स्पर्धा भव्य आकर्षक, चंदन सारची शान विजय घरत मामा महा. या क्रीतेनेची शान विजय घरत मामा महा. युव भक्त श्रद्धा बॅटर बॅटर चला मैदानावरती. क्षेत्रक्षण सजून घ्यायचं आहे. अर्नाळा प्रशांत क्षेत्रक्षण सजून घ्या प्लीज. चला बॅटर मैदानामध्ये. यानंतर अजूनही धमाकेदार मॅच तुमच्या भेटीला येणार आहे, खूप मजा येणार आहे. पुन्हा एकदा प्रेक्षकांसाठी बॅट आणि बॉल मध्ये जुगलबंदी आपण या ठिकाणी पाहतो आहे. हे विजय मामाचा बायो देता, कागरी सेनेचा पुढारी मोठा. क्रिकेट स्पर्धेत सिंहाचा वाटा, स्पर्धेसाठी खर्ची तो नोटा. हे इमानी नेता, कर्तव्य दक्ष, पालघर जिल्हा उपाध्यक्ष. जनतेला अभिमान विजय घरत मामा महान. हे दोस्ताना अभिमान विजय घरत मामा महान. या क्रीतेनेची शान विजय घरत मामा महान. युव भक्त श्रद्धावान विजय घरत मामा महान. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हैं आगरी सेना एंड B24 फाउंडेशन प्रेजेंट विजय मामा घरत चषक 2023. और प्रतियोगिता की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है. कल तारे जमीन पर विरार में बड़े सितारे इस मंच पर अपना जलवा दिखाने के लिए आएंगे. समय ज्यादा जा रहा है, फिलहाल बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए. जीत की होड़ में तो सब लगे हैं मगर संघर्ष भरी दौड़ में कोई हिस्सा नहीं लेता लेना चाहता है. सब लोगों को जीत चाहिए लेकिन जीत अगर आपको प्राप्त करनी है तो संघर्ष तो बिल्कुल होगा. और इसी संघर्ष में एक बार फिर आपको अच्छी क्रिकेट पॉजिटिव क्रिकेट सकारात्मक खेल करते हुए जीत का स्वाद चखना है. पिछले 3 दिनों में सभी खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट एंजॉय किया है. 79 का टारगेट. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए अमित और भूपेंद्र पाटिल, इनकी तरफ से हैट्रिक विकेट के लिए 1000 का इनाम. पावर प्ले का पहला ओवर, 5 ओवर का मैच. फ्लाइंग स्लिप पॉइंट कवर, एक स्ट्राइक कवर, एक मिड ऑफ. इस ओवर की पहली गेंद स्ट्राइक रेन पर रुपेश कोहली. अच्छी गिनती टप्पा खाने के बाद बिल्कुल लेग स्टंप की तरफ जाती हुई गेंद. कौन से पर खेलना चाहते थे अमित की गेंद समझ में आई है बल्लेबाज रुपेश कोहली को. टिप्पा बहुत अच्छा था, थोड़ा सा मिडिल स्टंप से टिप्पा खाने के बाद लेग स्टंप की तरफ जाते हुए गेंद. अच्छा एंगल क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड रहे तो गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाएगी, ये अनुमान लगाते हैं बल्लेबाज. लेकिन पहली गेंद अगर देखिए तो उनके जो सोच थी उसके खिलाफ आप देख रहे. बहुत बढ़िया तरीके से अच्छी गेंदबाजी, अच्छा माइंड सेट अमित का. रूपेश कोहली आक्रामक बल्लेबाज है, अगर ये बड़ी पारी खेलते तो मजा आएगा. फाइन लेग स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, मिड विकेट पर खिलाड़ी, एक खिलाड़ी मिड ऑफ क्षेत्र में, मिड ऑन है. बहुत करीब ये दोनों खिलाड़ी. पुलटॉस, पुलटॉस पर कौन नहीं बचने वाला. गेंद बिल्कुल जाएगी बॉलर की तरफ और शानदार सिक्सर.
जवाबी हमला बल्लेबाज रूपेश कोहली का। खूबसूरती के साथ खेलते फुल टॉस गेंद थी और गेंद को भाप लिया, फड़ लिया और उसके बाद में जड़ लिया मिड ऑन के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती थी। वेलकम सिक्स फॉर रूपेश कोहली। सिक्स पनन सतीश और रूपेश मैदान के अंदर। अमित गेंदबाजी करने तैयार, ज्यादा आगे गेंदबाजी करने की कोशिश। अच्छी गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, एक रन तो जरूर मिलेगा कवर करने के लिए। पीछे कोई खिलाड़ी नहीं है इसलिए डॉन ने थ्रो नहीं किया। लेग बाय का इशारा अजीत मात्रे कर रहे। रन संख्या फिलहाल इसी मिस्टर रिस्टा से स्कोर जा पहुंचा है पहले ओवर में 7 रन बगैर किसी नुकसान के। सतीश को मौका मिलेगा बल्लेबाजी करने के लिए। अमित का ये ओवर 3 गेंदों में 7 रन इन्होंने खर्च किए हैं। कमाल का टूर्नामेंट है, 7वां साल प्रतियोगिता का विजय घरत टूर्नामेंट के आयोजन करता। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अमित। भरत हमारे यहां कॉम्बो के लेफ्ट साइड पर है और बढ़िया बल्लेबाजी रही आज भरत की। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, छोटी गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए स्क्वायर लेकर खिलाड़ी दायरे के अंदर गेंद 1-2-3 1-2 का 4 करते भी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जाते भी। वेलकम बाउंड्री, अच्छा स्ट्रोक सतीश का। देखिए किस तरह से स्ट्रोक खेला गया, खराब गेंद थी। बल्लेबाज शफल हुए थे ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को खेल दिया दीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए। शायरत ट्रांसफोर्स से मालक आदरणीय सन्माननीय रमेश पाटील यांचं शुभागमन व्यासपीठावरती झालेलं आहे। 11 रन बगैर किसी नुकसान के। सतीश का बल्ला बोल रहा है निरंतरता की जरूरत है, लक्ष्य बिल्कुल बहुत बड़ा, रनों का अंबार आपके सामने है और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस ओवर की अगली गेंद और ऑन साइड पर बहुत बढ़िया तरीके से स्वीप किया बल्लेबाज सतीश के ऊपर है दारोमदार, इन्होंने किया प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। देखिए किस तरह से स्ट्रोक खेल दिया था बहुत खूबसूरती के साथ, गेंद को खेलते हुए गेंद और बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। शानदार बल्लेबाजी, खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी सतीश द्वारा। रन संख्या 15 रन बगैर किसी नुकसान के। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर अमित गेंदबाजी कर रहे हैं। तेरा कठिन संघर्ष ही तुझे जिताएगा, ऊंची उड़ान और ऊंचा कर तेरी मंजिलों को और मंजिल तेरे करीब लाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, शोल्डर डाउन नहीं होने चाहिए। अमित के ऊपर हमला हो रहा है, अभी तक 14 रन खर्च किए हैं। सतीश 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद, यह भी छोटी गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए खराब गेंदबाजी, गेंद बॉडी लाइन की तरफ ट्रैवल और ये लगातार मेरे हिसाब से बल्लेबाज सतीश के बल्ले से तीसरा चौका। दिशांग गेंदबाजी, खराब गेंदबाजी खासकर के अमित द्वारा। देखिए किस तरह से स्ट्रोक खेला गया था, टप्पा खाने के बाद एक बार फिर घुमा तो मिला लेकिन छोटी गेंद थी। दिशांग गेंद पर एक प्रहार, गेंदबाज ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया, शानदार चौका। चौबीस गेंदों में 60 रनों की जरूरत है, 19 रन बगैर किसी नुकसान के। एक वीरा नायगांव, जवाबी हमला हुआ है। अमित का ओवर, पहले ओवर में 8 रन आए हैं, कुल मिलाकर अगर देंगे तो रन संख्या 19 बगैर किसी नुकसान के। बैटिंग पावर पे का इशारा हुआ है, आप देख सकते हैं आशुतोष बेबारे बैटिंग पावर पे का इशारा कर रहे हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन, इंटरेस्टिंग मैच है, कमाल का टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। और जैसे कि देखिए दर्शक भारी संख्या में आज मौजूद है, उनको भी पता है कि आज कड़ा संघर्ष होने वाला है। गेंद और बल्ले के बीच एक अजीब जंग छिड़ी हुई है। जैसे कि उबलते हुए पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान नहीं दिखता। शांत होकर देखिए सभी समस्या का एक बार फिर हल हो जाएगा। समय ज्यादा ना ले, वक्त बहुत महत्वपूर्ण है, आशुतोष व्यापारे इशारा कर रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज विघ्नेश, 6 गेंदों में 19 रन, पहले ओवर में स्टार्ट बहुत ही अच्छा होता।
फुल टॉस गेंद थी, ऑनसाइड पर खेल दिया, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है, एक रन देने का अवसर, प्रशांत ने गेंद को रोक लिया था एक रन के साथ, अब रन संख्या 20 रन। एक अच्छा मुकाबला चल रहा है और इसके बाद में और एक बड़ा मुकाबला आएगा, आज का यह छठवां दिन, कल सातवां दिन होगा और तारे जमीन पर। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बोलिंग पार्ट पर तैयार, विघ्नेश स्ट्राइकरन पर बल्लेबाज की बात कर तो सतीश लगातार तीन चौके इनके बल्ले से आए हैं और तीन गेंदों में 12 रन पर खेल रहे, अच्छा स्ट्राइक रेट खास करके बल्लेबाज सतीश का। ऑनसाइड पर गेंद को खेल दिया, स्वीप करना चाहते थे, अच्छी तरह से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, अलोंग द कार्पेट गेंद जाती भी डिप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, एक रन देने का अवसर। एक तरफ रूपेश कोहली बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है, डेंजरस बल्लेबाज है विपक्षी टीम के लिए, अगर इनका बल्ला बोलता रहा तो रन तो बहुत तेजी के साथ बनते हैं और वीरेंद्र सेवाग स्टाइल बल्लेबाजी करते हैं। 21 बगैर किसी नुकसान के विघ्नेश तैयार अपने बोलिंग मार पर, इस ओवर में खामोश रखा है बल्लेबाजों को खास करके विघ्नेश ने। बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, रूपेश कोहली बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी है, विकेट कीपर ने लिया अच्छा कैच, विघ्नेश को मिली सफलता और 21 पर पहला झटका, एक रन आएगा। के सतीश ने वो स्वीप शॉट अच्छे खेले थे, भारत और न्यूजीलैंड का मैच देखे सबसे ज्यादा स्वीप खेले गए पिछले मैच, जो ज्यादा बड़ा टोटल नहीं था इसलिए क्योंकि वहां टर्न ज्यादा था, इसलिए बहुत बार स्लॉग स्वीप, पैडल स्वीप, इस तरह के स्ट्रोक खेले गए। अभी देखिए आपकी जो पहचान बनी हुई है, आप नेचुरली बड़े शॉट खेलने वाले खिलाड़ी हैं, तो जो शॉट सिलेक्शन था वो इतना अच्छा नहीं था। चलिए सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे, बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। सनी स्कोर 21 एक विकेट के नुकसान पर और विघ्नेश के लिए सफलता मिली है। सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे, वक्त बहुत कम है क्योंकि अभी देखिए तो कुल मिलाकर टोटल 79 का है और 4:54 मतलब 5 बजे हैं, तो समय ज्यादा ले ले, इसके बाद में और एक बड़ा मुकाबला आना बाकी। भरत इंतजार कर रहे हैं, आराम से देख रही है मुकाबला इस वक्त आगे क्या करना है, प्रेशर तो रहता है, हर एक मैच का प्रेशर अलग अलग होता है लेकिन प्रेशर बिल्कुल रहेगा और चाहे जिंदगी का मैदान या क्रिकेट का मैदान, दबाव झेलना आना चाहिए। करेक्ट शॉट, टाइमिंग बढ़िया, स्टैंड एंड डिलीवर, सनी ऑन मनी, एक्सलेंट स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक है ये, डीप इन विकेट बाउंड्री की तरफ, शानदार सिक्सर। Look at this shot. Onto the back foot. Pulling to the deep wicket is in the. And that's a bug. Biggie. That's a biggie from Sunny. Sunny on money. 27 for one. Vignesh ne ek baar phir dekhe to gain jada aage dali to uska fayda mila. Ballebaaz ne bahut badhiya tarike se gain ko pull kiya aur khel diya deep wicket boundary line ke bahar. Vignesh ek baar phir taiyar apne bowling maar par. अच्छी गेंद थी ये, जवाब था गेंदबाज का, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर, मजबूर रक्षात्मक ढंग से खेलना पड़ा बल्लेबाज को। एक अच्छा स्ट्रोक आने के बाद सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे, अगर अच्छी गेंद है तो स्ट्राइक रोटेट करना बहुत जरूरी। रन संख्या फिलहाल 28 पर मान, दूसरा ओवर प्रगति पर है। प्रभु गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए विघ्नेश और बल्लेबाज सतीश के ऊपर पूरा दारोमदार। ये मैजिक है मला सांगा, क्रिकेटमध्ये असं कोणाला सांगितलं असं तर केलं असं का नाही करणार, पण मधमाशाने ते करायला लावलेलं आहे। हे एकदा नाही मामा, तुमच्या या स्टेडियममध्ये दोनदा घडलेलं आहे, किती पण सांगा असं तुम्हाला बसायला नाही बसणार कोण, मधमाशा आलेले आहेत। देखिए शहद जैसा एक बार मीठा स्वाद चकना है ना, तो आपको मिलजुल कर काम करना पड़ता है। मधुमक्खिया जो है ना मिलजुल कर काम करते हैं और ये सारे खिलाड़ी, ये एक बार फिर सावली क्रिएशन के लिए और एक वीडियो मिल गया। 28 पर वन, मधमाशांना देखील क्रिकेट खेळायचंय। फुल टॉस, गेंद कहां छोड़ने वाले हैं, लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके, गेंद बाउंड्री के बाद सिक्सर।
ठीक है, ये स्ट्रोक बहुत बढ़िया तरीके से एक बार फिर बल्लेबाजी मैदान के अंदर सनी द्वारा, सनी और मनी घुटना टेका था, लेकिन वो एक बार फिर प्रणाम के लिए नहीं परिणाम के लिए सतीश का ये बल्ला बोल रहा है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, शानदार सिक्सर। बॉल की जरूरत है, सतीश का यह अच्छा स्ट्रोक था। तो सतीश पहुंच चुके 19 पर, सनी 7 पर। सनी और सतीश के बीच साझेदारी, रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखिए तो वह 2 ओवर के बाद 34। ईट का जवाब पत्थर से, बॉल आया वापस, कोई है बंदा बिल्कुल अपना काम कर रहा है मैदान के अंदर, चर्चा करने के लिए मजबूर किया बल्लेबाज सतीश ने। सनी ऑन मनी, सतीश कमाल कर रहे हैं, और कमाल का मुकाबला, घुटना टेका था लेकिन बिल्कुल ये प्रणाम के लिए नहीं परिणाम के लिए, अच्छे परिणाम के लिए। और अब जाकर देखिए यह मुकाबला जीतने के लिए विकेट तो आपको चाहिए, अगर विकेट नहीं मिलेंगे तो सामने से बल्लेबाज दे धनाधन बल्लेबाजी कर रहे हैं विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए। 34 एक विकेट के नुकसान पर, सनी 7 पर, सतीश 19 पर। बिघ्नेश के ओवर में बल्लेबाजों ने मेला लूटा, एक ओवर में 15 रन और एक शिकार उन्होंने कर दिया था, लेकिन एक शिकार से बात नहीं बनेगी, आपको विकेट जो है ना वो गुच्छे में चाहिए। डेलमॉन अपनी बॉलिंग मार्क पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग मैच, साहित अरनाला बनाम एक वीरा नायगांव, बल्लेबाज फिलहाल तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। तो सनी, क्योंकि आखिरी गेंद पर शानदार सिक्सर बल्लेबाज सतीश का, 3 लगातार चौके और उसके बाद में एक शानदार छक्का इनके बल्ले से। डेलमॉन तैयार है 79 का टारगेट। देखिए समीकरण क्या बना हुआ है, आपके स्क्रीन पर होगा, हमारे जो अपडेट है प्रसाद आपको एक बार फिर बताएंगे। आपके पास गेंदे शेष कुल मिलाकर अभी भी 18 और 18 गेंदों में 45 रनों की जरूरत है। समय ज्यादा जा रहा है, वक्त ज्यादा जा रहा है, प्लीज 18 गेंदों में 45 चाहिए। ऑन सेट पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, काउ कॉर्नर, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है डेलमॉन, राइट हाफ ओवर द विकेट, पुल टॉस गेंद, क्रैकिंग स्ट्रोक, गेंद एक बार फिर बॉडी लाइन की तरफ ट्रैवल हो रही है, बेहतरीन फील्डिंग, दोनों ने लिखा एक बार फिर उससे दोनों बल्लेबाजों के लिए। एवरी पेन गिव्स अ लेसन, एवरी लेसन चेंज अ पर्सन। एक बार भी देखे ठोकर जो है ना वो बड़े एक बार फिर पहाड़ से नहीं लगती, छोटे पत्थर से लगती है, इसलिए एक बार फिर सूझबूझ के साथ क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है, वक्त ज्यादा नहीं जाना चाहिए। आदरणीय रमेश जी पाटिल यांचं शुभ आगमन व्यासपीठावरती झालेलं आहे, त्यांचं सहर्ष स्वागत, वेलकम। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है, समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर बार बार हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि समय देखिए यहां से फिलहाल 4:59 का समय हो गया है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार डेलमॉन। सनी ने गेंद को छोड़ दिया था, क्रीज के कोने का इस्तेमाल हुआ, खास करके आप देख सकते हैं क्या विकेट के बाहर गिरी है वो देखना आपको, व्हाइट बॉल। व्हाइट के लिए नहीं है, जो आप ऑन फील्ड अंपायर जो डिसीजन देंगे ना वो एक बार फिर मायने रखता है। थर्ड अंपायर व्हाइट के लिए नहीं है, हम बोला ना भैया ऑन फील्ड अंपायर जो डिसीजन है वही फाइनल हो जाएगा। अगर व्हाइट बॉल दिया है तो व्हाइट बॉल, अगर नहीं दिया है तो एक बार फिर पेयर डिलीवर व्हाइट बॉल, ओके वही डिसीजन फाइनल है, क्योंकि व्हाइट बॉल के लिए एक बार फिर थर्ड अंपायर का इस्तेमाल नहीं होगा, मैच कंटिन्यू करना है, इंपॉर्टेंट मुकाबला है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हो रहे हैं। रन संख्या की अगर बात करें तो 36 एक विकेट के नुकसान पर। मनुष्य भावनाओं का पुतला है और फिलहाल आपको भावनाओं में नहीं बहना है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है इस मुकाबले में। डेलमॉन अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार गेंदबाजी करने के लिए, इंटरेस्टिंग मुकाबला। फील्डिंग की बात करें तो लॉन्ग ऑन, उसके साथ काउ कॉर्नर, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी, फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात, ये क्रूशियल मैच है। रटम ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार डेलमॉन। टॉस गेंद बॉलर के सर के ऊपर से खेलते हुए खूबसूरती के साथ
प्रशांत गर्ग की शानदार फील्डिंग और दो रन बल्लेबाजों ने मुकम्मल की है। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए रन संख्या फिलहाल स्कोर अब जा पहुंचा है कुल मिलाकर 39 plus of 1 wicket, chasing a target of 79 run. Now remaining 16 deliveries and need 40 run to win this match. Required 8, 15. Dead के दो गेंदों में 5 रन, लगातार 3 विकेट के लिए भूपेंद्र पाटिल इनकी तरफ से 1000 का इनाम है। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार, बल्लेबाजी करने के लिए सनी 11 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अबाबे गेंद लॉगा पर, खिलाड़ी गेंद के नीचे लिया कैच, बल्लेबाज सनी बैक टू द पेवेलिन, डेल मॉन ने इस मुकाबले में डाली है जान। कर रहे हैं तो उसके बाद में लगातार आप अगर सेलिब्रेशन करते रहेंगे तो परेशानी हो सकती है। सेलिब्रेशन करना है लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको अपने जगह पर जाना है। विजय मामा गरत चषक 2023 प्रतियोगिता का आज का छठवां दिन, शाम का सत्र ढलता हुआ सूरज, आने वाली शाम किसके नाम ये सवाल, नायगांव या एक बार फिर अर्नाला। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं शैलेंद्र शैलू। सतीश 19 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद डेनमॉन राइट अप ओवर द विकेट, शपल हुए बल्लेबाज, शपल हुए है इस गेंद को। भाई आपको खेलना था क्योंकि ऑफ स्टंप के बाद फुल लेंथ गिनती, अगर बल्ला भी लगाते तो गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन की तरफ जाती, छोड़ दिया है। शैलेंद्र ऑन स्ट्राइक है, 39 दो विकेट के नुकसान पर, 14 गेंदों का खेल, 40 रनों की जरूरत। यहां से इस मुकाबले में आपको वो बिल्कुल चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, बढ़ रहा है टेंशन तो बढ़ना चाहिए कॉन्ट्रीब्यूशन। ऑन सेट पर अच्छा स्ट्रोक, ब्रॉकल में गेंद है, खोद के निकाला, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है बाउंड्री लाइन पर, जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल किया। दूसरे के बारे में सोच रहे, खतरा हो सकता है, कोई जरूरत नहीं थी, दूसरे की मांग हो रही थी, दो रनों की हो रही थी मांग, ताल में के कमी कारण बल्लेबाज का हो गया काम तमाम। शैलेंद्र बैक टू द पेवेलिन गॉन। यहां देखिए खिलाड़ी बॉडी पर तैनात है और बढ़िया फील्डिंग, थोड़ा इंतजार किया, थोड़ा इंतजार किया, बल्लेबाज रेडी रेडी रहना बहुत जरूरी। बल्लेबाज चलिए इतना वक्त क्यों जा रहा है, फील्डिंग को अलग को कीजिए प्लीज। बैट्समैन चला, बैट्समैन चला, बाकी खेळाडू आप आपल्या जागेवरती चला, निर्णय तुमच्यापर्यंत येतील, बाकी जगह सर्व खेळाडू आप आपल्या जागेवरती चला प्लीज। एक मिनट,
ओके ओके ऑल राइट मैच कंटिन्यू. थैंक यू प्रशांत. चलिए मैच एक बार फिर कंटिन्यू करना है. रन संख्या अगर देखें तो टोटल बन गया है 40 रन. जीतने के लिए 79 का लक्ष्य है. थर्ड मैन पॉइंट कवर. एक खिलाड़ी बिल्कुल लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपनी बॉलिंग मार्फत गया डेलमॉन. 13 गेंदों में 39 रनों की जरूरत. बुलटॉस गेंद. बुलटॉस पर कौन छोड़ने वाला है. गेंद बॉल डिलाई के बाहर जाती भी और मनमीत के बल्ले से शानदार सिक्सर. कमजोर गेंद थी. देखिए किस तरह से क्रिस के कॉर्नर का इस्तेमाल किया. फुल टॉस गेंद. ब्लॉक होल में जाना चाहते थे. खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया. बॉल लीला के बाहर. दर्शनीय स्ट्रोक. मैच में कमबैक. 12 गेंदों में 33 रनों की जरूरत है. टीम मीटिंग ना करे. सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे. केवल कप्तान अपने बॉलर के साथ चर्चा करेगा. एक खराब गेंद डॉयर डेलमॉन की. रफ्तार थी खास करके गेंदबाज के पास लेकिन उसका फायदा बल्लेबाज ने उठाया. 12 गेंदों का खेल छह से 33 रनों की जरूरत है. सतीश 19 पर खेल रहे हैं. मनमीत ने अभी तक अगर देखे तो 6 रन बनाए हैं. इस चक्के के साथ अपने इरादे को स्पष्ट करते हुए वक्त की बात करें तो 5:07 का समय हो गया है. सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे. वक्त ज्यादा ना ले. वक्त जो है रेत की तरफ फिसलता जा रहा है. एक कड़क मैच. आपके लिए 10 मिनट का समय है. टाइमर लगा है. खास करके आप देख सकते हैं 10 मिनट बचे हुए. प्रशांत 10 मिनट का समय बचा हुआ है. आपको 2 ओवर डालने हैं. इंटरेस्टिंग मुकाबला. क्या बात है. खराब गेंदबाजी उसके ऊपर प्रहार. गेंद बॉल लाइन के बाहर जाती भी शानदार सिक्सर. एक्सलेंट बैटिंग. लाइट जवाब बल्लेबाजी मैदान के अंदर. एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर खिलाड़ी जो बल्लेबाज उनको इन करना बहुत जरूरी है. अगर इन नहीं होती है तो एक रन की पेनल्टी पहले दिन भी लगी थी. तो आज अगर देखे तो नायगांव को एक रन की पेनल्टी लगी है. 11 गेंदों का खेल. 28 रनों की जरूरत. ऑन साइड पर गेंद को खेलते हुए डीप मिड विकेट पर बॉडी नंबर खिलाड़ी तैनात है. एक रन लेने का मौका बल्लेबाजों के पास. एक रन की पेनल्टी नायगांव को. रन संख्या फिलहाल स्कोर की बात करते हैं. 10 गेंदों का खेल शेष है. 10 गेंदों में जीतने के लिए अगर देखें तो 27 रन चाहिए. 27 रनों की जरूरत. आपके पास गेंदों की बात करें तो 10 गेंद शेष है. 27 चाहिए. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. इस ओवर की अगली गेंद 2-3 बार देखने के बाद यह पेनल्टी आपको लगी है. अच्छा कट कर दिया. बहुत बढ़िया तरीके से क्या ढूंढा है. वाह भाई वाह. क्या होती है क्या वो मिलती है रहा. गेंद बॉल लेके बाहर. 4 रन. ग्राउंड विकेट. गेंदबाजी कर रहे हैं. बहुत बढ़िया तरीके से बैक पे चले गए. बल्लेबाज कट कर दिया सुंदर तरीके से गैप में. अच्छा स्ट्रोक. बहुत बढ़िया तरीके से पॉइंट और कवर के बीच का फासला चिरती भी गेंद गोली के रफ्तार के साथ बॉडी लाइन के बाहर जा रही है. 4 रनों के लिए अब तक 56 3 विकेट के नुकसान पर. 9 गेंदों का खेल. 23 रनों की जरूरत है. मनमीत और सतीश अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं. गेंदबाज के ऊपर दबाव. विघ्नेश अपने बॉलिंग मार्ग पर. 9 गेंदों में 24 रनों की जरूरत. एक पेनल्टी का रन बिल्कुल ऐड करना बहुत जरूरी है. ओहो हो हो क्या बात है. हवा में गेंद. गेंद के नीचे खिलाड़ी और लिया कैच. प्रशांत ने लिया कैच. बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन बन जाते हैं. मनमीत विघ्नेश को मिला एक बार फिर बहुत बड़ा विकेट. इंटरेस्टिंग मुकाबला है. एक अच्छा स्ट्रोक बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया था लेकिन प्रशांत जिन्होंने बल्लेबाज को लगा एक बार फिर शांत रखा है. मनमीत बैक टू द पवेलियन बनाए 10 रन 3 गेंदों का सामना करते हुए और विघ्नेश प्रमुख गेंदबाज के तौर पर स्ट्राइक कर रहे हैं. 8 गेंदे और 24 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. अब तक 56 4 विकेट के नुकसान पर. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर धीरे धीरे आ रहे हैं मिलिंद. लेकिन एक गेंद पर सतीश
क्या उनको ज्यादा मौका देना चाहिए था, क्या स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत थी, क्या बाकी बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने चाहिए थे? बहुत सारी चीजें हैं, इसके ऊपर बहस हो सकती है, इसके ऊपर चर्चा हो सकती है। मैदान के अंदर वो कांटे की टक्कर चल रही है, रोचक मुकाबला चल रहा है। प्रभु गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए विघ्नेश अपनी बॉलिंग मार्ग पर तैयार, रिक्वायर्ड 17.25 का है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपनी बॉलिंग मार्ग पर तैयार है। फ्लाइंग स्लिप पॉइंट कवर स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी तैनात है। अच्छी गेंद थी, ब्रोकल में आउटसाइड पर खोद के निकाला, गेंद डीप विकेट बाउंड्री की तरफ जा रही है। दो रन मुकम्मल किए हैं, क्या तीसरी के बारे में सोच रहे, तीसरी के बारे में सोच रहे? विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाई और तीन रन मुकम्मल, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी तीन रन मुकम्मल किए गए हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास गेंदे गेंदे कितने शेष है वो देखा जाएगा। क्या मैच चल रहा है, पैसा वसूल मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ, मैदान के अंदर वो काफी की टक्कर चल रही है। सात गेंदों का खेल, 20 रनों की जरूरत। प्रेक्षक पा थोड्याच वेळात आमचे कॅमेरामॅन त्या प्रेक्षकांच्या दिशेने जातील, तिथे आपण ज्या ट्रक मध्ये प्रेक्षक आहेत, ट्रक वरती बसलेले जे प्रेक्षक आहेत तिथपर्यंत आपण जाणार आहोत थोड्याच वेळात या चेंडू नंतर। फटका तर खूप सुंदर आहे, क्षेत्ररक्षक आहे, पकडला झेल, बॅट्समन ठरला फेल आणि सतीचा सप्लाय खेळ, 59 वरती पाचवा धक्का। किस तरह से एक बार फिर ऑफ के बाहर गेंद थी, फुल लेंथ थी, गेंद को उड़ाना चाहते थे तारा मंडल में बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन तारीफ कर दूंगे जज की, क्या जबरदस्त कंट्रोल के साथ अच्छा जज किया हुआ कैच है। सहा चंडू 20 धावा, लेकिन ये दृश्य भी देखे, ये दृश्य भी देखे, काम करना इन्होंने छोड़ दिया है, ट्रक को खड़ा कर दिया है और ये मुकाबला देख रहे हैं, ये सारे लोग मुकाबला देख रहे हैं, ड्राइवर भी है, लेकिन इस वक्त ड्राइवर सीट पर कौन है? ठीक है, और 20 रनों की जरूरत है, मजा आएगा। बीच मैदान पर चर्चा हो रही है, बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं, मैं अर्नालो को विनती करूंगा चलिए सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के साथ वापस आएंगे मैदान के अंदर। वेलकम बैक, एक बार फिर सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का स्वागत है। छह गेंदे 21 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। नायगांव की टीम भी बहुत तगड़ी टीम मानी जाती है और दोनों तरफ अगर ये एक बार फिर कह रहे कि हम उम्मीदवार नहीं दावेदार है, जब जब शाम से शाम का सत्र आता है तब मजा आता है, रोचक मुकाबले होते हैं, दर्शकों के लिए बिल्कुल वो जो चाहिए वो बिल्कुल मिलता है, रोचक मुकाबला। ट्रक पर देखिए, ट्रक पर बिल्कुल वो सारे दर्शक एंजॉय कर रहे हैं। छह गेंद 21 कंपल्सरी, छह गेंद 21, एक की जो पेनल्टी 20 रन चाहिए, लेकिन एक छह गेंदों का खेल, छह गेंदों का खेल, 20 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। कड़क मैच, रोचक मुकाबला, जितनी गाड़ियां जा रही वो रुक रही है, हमारी सांसें भी गले में अटकी हुई है, इस मुकाबले में क्या होगा? गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज फिलहाल अपने बोरिंग मार्ग पर तैयार है। एलन फिलहाल देखिए, तुम आप देख सकते हैं इस वक्त छह गेंदों में 20 रनों की जरूरत है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। उड़ाया आसमान की तरफ, डूबते हुए सूरज को उगते हुए सूरज का सलाम है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, शानदार सिक्सर, क्या बात है, क्या बात है। रिक्वायरमेंट देखे क्या, इस बार फिर ये गेंद देखे बहुत बढ़िया तरीके से ऑफसाइड पर पुल किया गया, बल्लेबाज विनीत के बल्ले से शानदार सिक्सर, पहली गेंद पर स्ट्राइक से करेंगे स्वागत, एक्सलेंट बैटिंग।
एलन का स्वागत छक्के के साथ, बाद गेंद में 14 रनों की जरूरत। समय ज्यादा न ले, समय ज्यादा न ले, बॉल की जरूरत है, बॉल की जरूरत है मैदान के अंदर। ऑब्जेक्शन लिया हुआ है, बिल्कुल ऑब्जेक्शन लिया हुआ है। तो एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण होगा, आने वाली एक एक गेंद इवेंट के बराबर हो जाएगी। छक्के गेंदबाजी आप नहीं कर सकते इस प्रतियोगिता में, तो बिल्कुल ऑब्जेक्शन लिया गया है। और एक इंटरेस्टिंग मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। 65 रन 5 विकेट के नुकसान पर, 5 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। थर्ड मैन पॉइंट कवर एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी तैनात है। एक रोचक मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, एलन राइट आर्म ओवर द विकेट, क्रीज के कोने का इस्तेमाल, हवा में गेंद है, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी दायरे के अंदर, तेरी मेरी चल रही है भाई। एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी है, उनका ही कैच था, अंपायर का क्या फैसला वो भी देखना बहुत जरूरी है। इंटरेस्टिंग मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। ये कैच एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को पकड़ना था, लेकिन वो एक बार फिर देख रहे थे गेंदबाज की तरफ कि क्या उनका कैच है, लेकिन उनको पीछे आना था, तो ये आसान मौका था गया खास करके एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को। खराब शॉट था बल्लेबाज का, मिस टाइम स्ट्रोक। समय ज्यादा न ले, समय ज्यादा न ले, चलिए अपनी जगह पर, चलिए अपनी जगह पर, सारे लोग अपनी जगह पर जाएंगे। एक वार्निंग दी गई थी, उसके बाद में आप देखिए इस ओवर की बात कर तो 5 गेंदों में 11 चाहिए, लेकिन अभी क्या, अभी क्या, नो बॉल, ओके, नो पेनल्टी, गेंदबाज बदला जाएगा, नो बॉल, उसका रन मिलेगा, पेनल्टी नहीं है, 5 गेंदों में 11, फ्री तो मिलेगा, बिल्कुल वो तो है, वो एक बार भी इंटरनेशनल जीतने नहीं है, बिल्कुल आएंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग मैच है, इंटरेस्टिंग मैच है। नो बॉल प्लस बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए, तो 3 रन मिलने वाले हैं। और लेकिन बिल्कुल इस वक्त अगर देखें तो फ्रीड का इशारा होगा और गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। लेग ब्रेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं संदीप सैंडी। समीकरण आपको बताना चाहूंगा, 5 गेंदों में 11 रनों की जरूरत है। विजय मामा चषक पिक्चर है सुपर हिट, अगली गेंद फ्री हिट, देह घुमा के खेलने का मौका मिलेगा। क्या कड़क मैच चल रहा, क्या रोचक मुकाबला चल रहा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज फिलहाल तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर। संदीप खरबत इनके पास है और लेग ब्रेक अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तो मेरे हिसाब से एक बार फिर इनको ही मौका देना चाहिए था। देर आए क्या दुरुस्त आए वो देखना बहुत जरूरी। संदीप अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, निकरण 13.20 का है। ये मैच समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, मैच समाप्त होना चाहिए क्योंकि घड़ी देखे एक बार फिर 5:20 का समय हो गया है। ये फाइनल का मैच नहीं है, आज छठवां दिन है और करारा मुकाबला चल रहा है। बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज मिलिंद 11 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। विशाल नॉस्ट्रेकर इन पर, आंखों के सामने एक खिलाड़ी रखा हुआ है, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, अच्छी गेंद। सवाल यही है ना कि संदीप खरबत को आपने पहले मौका क्यों नहीं दिया। लीजेंड खिलाड़ी है, अनुभव के भंडार खिलाड़ी है और आपके पास 20 रन का बैंक बैलेंस और उसके बावजूद आपने नया विकल्प ढूंढा था, लेकिन उसका कुछ फायदा ज्यादा नहीं हुआ। अब जाकर आपके पास 4 गेंदे 10 रनों की जरूरत। और मनुन ने भी मतलब था कि जिंका से मतलब तो योग्य तो बेला योग्य तो पत्ता बाहर काटना बाहर गरजे से आए वे चुकून गिरे तो हुक्मत से एक के सुधा पाया जाता। प्रभु लागतो सर्वांच्या जिवारी जिंकण्यासाठी धडपड सारी। विजय मामा चषक 2023 जिंकण्याची झाली तयारी, पाहूया कोण पडते कोणावर भारी। 4 चेंडू 10 धावांची आवश्यकता, बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाने के थोड़ा घुमाव मिलता बा, तालियां एक बार फिर चारों ओर से बज रही है, शिट्टियां बज रही है, मजा आ रहा है, बजेगी शिट्टी बजेगी ताली, हो हल्ला हो गुल्ला, मैदान घुसता है सर पे उठता है, तब खेल खेल का रहता है, जुनून बन जाता है। 3 गेंदों में 10 रनों की जरूरत, कहानी एक बार नहीं है, पिछले 3 दिनों में देखे इसी तरह के मुकाबले आए हैं।
विजय मामा इसीलिए बहुत खुश। अब आगे गेंद, मिस टाइम शो, गेंद के नीचे खिलाड़ी लिया कैच, आउट, खूब सफलता मिली है। विजय मामा क्रिकेट चषक, क्रिकेट पर्दा भव्य आकर्षक, विजय मामा क्रिकेट चषक, क्रिकेट पर्दा भव्य आकर्षक, चंदन सारची शान, विजय घरत मामा महा। एक छोटा सा बदलाव आपके बड़ी सफलता का बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है। देखिए यहां से संदीप करवत को जो मौका मिला ना, इसका फायदा अर्नालो को मिल रहा है, जो आपको पहले उनको लेके आना था, लेकिन बल्लेबाज को एक बड़ा शॉट खेलना, एक अच्छा स्ट्रोक आप खेलेंगे तो मजा आएगा। दो गेंद में 10 रन की जरूरत है, एक ओर नायगांव या साइच अर्नाला, कौन जीतेगा यह मुकाबला? काटी की टक्कर मैदान के अंदर चल रही है और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज संदीप नहीं बल्लेबाज निकेश, 6 विकेट खो दिए, 69/6, दो गेंद में 10 चाहिए। वक्त कम हो रहा, शतरंज की साल, हारा तो जिंदगी, जीता तो कमाल, टूर्नामेंट का ये 7वां साल, कमाल बेमिसाल। गेंदबाज का बुरा हाल, गेंद बॉल डीलर के बाहर जाती भी, शानदार खेल, शानदार सिक्सर, एक्सलेंट बैटिंग। एक गेंद और 4 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को पुल किया था, छोटी गेंद थी, शॉर्टलिन गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार निकेश द्वारा, ये खराब गेंद थी संदीप करवत की तरफ से। अब जाकर मजा आएगा, ये आखिरी एक गेंद शेष, 4 रनों की जरूरत, और निकेश जो 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक वीरा नायगो को जीतने के लिए यहां से 4 रन चाहिए। लाजवाब खेल मैदान के अंदर हो रहा है, बिल्डिंग देखिए, 3rd man पॉइंट कवर, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी है, रोचकता बिल्कुल बरकरार और चरण सीमा पर पहुंच चुकी है, जीत की उम्मीद और हार का डर, इसके बीच का जो समय होता है वो कमाल का होता है। करबत तैयार, स्ट्राइक रेन पर निकेश, एक गेंद 4 रन की जरूरत, छक्का आने के बाद मैच में रोचकता बढ़ती भी। प्रेक्षकांना एकदा विनंती है, हा सामना तुम्हाला आवडला असेल तर एकदा टाळ्यांचा जोरदार गजर करा, काय सामना मैदानामध्ये आहे, शानदार खेळ। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, पैरों की तरफ गेंद थी और संदीप करवत ने कर दिया है अपना काम, मुकाबला साई चारनाला ने जीत लिया है। एक्सलेंट एक्सलेंट बॉलिंग, इस ओवर में केवल आए 7 रन, और ये रोचक मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला बिल्कुल साई चंद ने जीत लिया, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू डीजे। ग्रामीण साठी लॉट्स या ठिकाणी पाळले जात आहेत, ड्रॉ केला जातो आहे, कॅमेरामन हस्तांतरण करायचं आहे, पहिल्यांदा टॉस करून घेऊया। नायगाव सिंह टीमचा कॅप्टन पहिल्यांदा या, त्याचबरोबर आपला सन्मान, त्यानंतर मी विनंती करणार अर्नाळा, आपण देखील इकडे यायचं आहे, भरत तयार आहे टॉस साठी, टॉस